हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरमान औसम और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, मंडे नाइट रॉ आज से ज्यादा धमाकेदार हो ही नहीं सकता था। WWE के चार लेजेंड्स अंडरटेकर, केन, शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच चारों आज हमें एक साथ रिंग में दिखे। और ऐसा समझ लीजिए कि WWE ने क्राउन ज्वेल में होने वाले मैच DX वर्सेस ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का हमें हिंट भी दे दिया है। अगर आपने रॉ की हाइलाइट्स नहीं देखी तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पहले आप वो देख लो। और इस वीडियो में हम आज के रॉ की इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स की हाइलाइट्स जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे रेसलिंग पीडिया चैनल को और बेल आइकन को दबा के मेरी किसी भी वीडियो को मिस मत करिए। रॉ की शुरुआत में डीन एम्ब्रोस ने आकर सबको कंफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि शायद वो खुश नहीं है शील्ड में और वो सही समय का वेट कर रहे हैं रोमन रेंस और सेथ रॉलिंग्स को धोखा देने के लिए। पर लास्ट में उन्होंने सब क्लियर कर दिया ये कहकर कि शील्ड एक ब्रदरहुड है और किसी भी जंग में वो तीनों एक साथ ही जाएंगे। फिर बैरन कॉर्बिन ने आकर डीन एम्ब्रोस को यूनिवर्सल और इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल का लालच भी दिया, पर डीन एम्ब्रोस ने रिजेक्ट करके ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ वन ऑन वन मैच किया। और डीन एम्ब्रोस और ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच भी जबरदस्त था। लास्ट में जब ब्रॉन स्ट्रोमन डीन एम्ब्रोस को टॉर्चर कर रहे थे तब रोमन रेंस ने आकर सेव किया डीन एम्ब्रोस को, पर रोमन रेंस की इंटरफेरेंस की वजह से ब्रॉन स्ट्रोमन ये मैच जीत गए। इसके बाद हमने देखा रोमन रेंस वर्सेस डॉल्फ ज़िगलर। इस मैच में रोमन रेंस ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और लास्ट में डॉल्फ को स्पीयर देकर वो ये मैच जीत गए। शील्ड के तीसरे मेंबर सेथ रॉलिंग्स ने फेस किया ड्रू मैकएंटायर को। इस मैच में डॉल्फ ज़िगलर की हेल्प से ड्रू मैकएंटायर जीत गए। मैच के बाद रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस सेथ रॉलिंग्स की हेल्प करने आए और उनके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन भी आ गए, जिसकी वजह से दोनों टीम्स में ब्रॉल हो गई। पर आज डॉग्स ऑफ वॉर भारी पड़ गए शील्ड पर। आज का सबसे अच्छा सेगमेंट था शॉन माइकल्स का। उन्होंने कहा कि अंडरटेकर ने ट्रिपल एच के साथ हो रहे मैच को पर्सनल बना दिया है और अगर केन अंडरटेकर का साथ देने के लिए आएंगे तो वो भी ट्रिपल एच का साथ देने जरूर आएंगे। इतना बोलते ही केन की म्यूजिक बजी और लाइट्स ऑन होते ही शॉन माइकल्स के पीछे केन आ गए। केन ने आकर अटैक कर दिया शॉन माइकल्स पर। फिर अंडरटेकर की म्यूजिक बजी और वो भी रिंग में आ गए। अंडरटेकर और केन शॉन माइकल्स पर अटैक करने ही वाले थे कि उन्हें बचाने ट्रिपल एच आ गए, पर अंडरटेकर ने पहले चॉक स्लैम दिया ट्रिपल एच को और उसके बाद टूमस्टोन पाइल ड्राइवर देकर रॉ को खत्म किया। आज ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन भारी पड़ गए डीएक्स पर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इतनी ऑसम वीडियोज आपसे मिस ना हो।